हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे आंवले का अचार, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, स्पाइसी है, चटपटा है और विटामिन सी से भरपूर। तो ऐसे हेल्दी टेस्टी आंवले के अचार के लिए मैंने लिया है आंवला। ये अराउंड आधा किलो आंवला है। आंवले को मैंने अच्छे से धो के पोंछ के एक घंटे के लिए धूप में रख दिया था, ताकि इसमें जो भी नमी हो वो निकल जाए। उसके बाद अगर आंवले में इस तरीके के कोई निशान हो तो उन्हें हमें काट के अलग कर लेना है, नहीं तो अचार ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। और ये है मसाले। जीरा है 2 टीस्पून, सरसों दाना 3 टीस्पून, मेथी दाना 1 टीस्पून, हींग, नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर 1/4 कप है, हींग 1/4 टीस्पून है। और यह है तिल्ली का तेल, मैंने तिल्ली का तेल यूज़ किया है। उसके अलावा यह है लहसुन, नींबू और सूखी लाल मिर्च। अभी मैंने रखा है एक पैन। पैन में सबसे पहले मैंने डाले हैं सरसों के दाने। सरसों के दाने डालकर मैंने इनको अच्छे से भून लिया है। जो छोटा वाला स्पून होता है उससे ये 3 स्पून है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 स्पून मेथी का दाना। डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे जीरा। जीरा मैंने 2 टीस्पून डाला है और थोड़ा सा बचाया है तड़का लगाने के लिए। अब इसको भी मैं अच्छे से भून रही हूँ। यहाँ पे अचार बनाने के लिए मैंने तिल्ली के तेल का इस्तेमाल किया है। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये काफ़ी अच्छे से भुन गया है, सरसों भी तड़कने लग गया है। मैं इसको निकाल रही हूँ एक प्लेट में। प्लेट में निकाल के अब हम इसे ठंडा होने रख देते हैं। अभी मैंने रखा है एक पैन, उसमें मैंने डाला है 1 कप, बड़े कप से 1 कप है, छोटे कप से 2 कप तेल है और वज़न में ये 1 पाव 250 ml है। अब तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाले हैं आंवले। आंवले डालकर मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आंवले को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, आंवले को हमें सिर्फ नरम होते तक ही पकाना है और बीच बीच में इन्हें पलटते हुए इस तरीके से फ्राई करना है, ताकि आंवले चारों तरफ से और अंदर से अच्छे से पक जाए। इतने आंवले फ्राई होने में मुझे 10 मिनट का टाइम लगा है। मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है। आंवले पके हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए एक आंवला लेकर उसे स्पून या नाइफ से प्रेस करके देख लेना। अगर स्पून या नाइफ से हम लोग प्रेस करते हैं तो आंवला अच्छे से दब जाता है और उसके पीसेस इस तरीके से अलग होते हैं, तो आंवला पक के रेडी है। अब आंवला पक गया है, मैं इसको गैस से उतार रही हूँ। मैंने गैस से उतार लिया है। अब आंवले को निकाल के मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। बाउल में डाल के हम लोग आगे का प्रोसीजर करेंगे। ये आंवले का अचार बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आंवला हमारा बहुत दिनों तक अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अब उसी तेल में मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन को मैंने थोड़ा दरदरा कर लिया है। उसके बाद मैंने उसमें डाला है हींग और ये बाकी का जीरा। यहाँ पे आंवला निकालते तक मेरा तेल काफ़ी ठंडा हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। उसके पहले मैंने इसमें डाला है सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च डाल के तेल को मैंने थोड़ा सा गर्म करके उतार लिया है। अब इनको मैं तेल में इसी तरीके से छोड़ दूँगी और ये ठंडा होने के लिए मैं रख दे रही हूँ। अब मैंने इसको रखा है साइड में। अब हम जो जीरा, सरसों और मेथी है उसका पाउडर बना लेंगे। इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल के एक फाइन पाउडर बना लिया है। ये पाउडर बन के रेडी है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में और हम लोग देखते हैं आंवले। आंवले पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये है 1 टीस्पून हल्दी और नमक। नमक यहाँ पर मैंने 4 टीस्पून का इस्तेमाल किया है, अराउंड 1/4 कप है। उसके बाद 2 नींबू को मैं काट के उसका रस मैं इसमें डाल रही हूँ। नींबू की जगह आप इमली भी डाल सकते हो, बट इमली डालने का प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की जगह आप जो भी नॉर्मल मिर्च पाउडर यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा एडजस्ट कर लेना। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके अब मैं इसमें जीरा, सरसों और मेथी का पाउडर, जिसे हमने थोड़ी देर पहले ग्राइंड कर लिया था, डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके इसमें हम लोग डालेंगे ऑयल। इसमें हम लोग जो भी चीज़ यूज़ करेंगे वो पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए। अब ऑयल भी पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए। अगर ऑयल थोड़ा सा भी गर्म रहेगा तो इसमें मॉइस्चर आएगा, इसमें नमी बनेगी और अचार
ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। अब तेल डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक पाव तेल का इस्तेमाल किया है और तिल्ली तेल का इस्तेमाल किया है। आप सरसों तेल या जो भी तेल आप खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो भी चीज़ हम लोग डालें वो पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही डाल के मिक्स करना है। अब यहाँ पे आप तेल, नमक और मिर्च एक बार चेक कर लेना, अगर आपको कम लगता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। ये अचार बनने के 3 दिन बाद ही यूज़ करना है, 3 दिन बाद ही इसमें अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब अचार ऑलमोस्ट बनके रेडी है, इसे हम लोग 3 दिन बाद ही यूज़ करेंगे। अब हम इसे करते हैं स्टोर। स्टोर करने के लिए हमें इस तरीके कांच का बॉटल इस्तेमाल करना है, इसको अच्छे से धो के पोंछ के धूप में सुखाना है ताकि इसमें कोई नमी ना हो। इसके लिए हमें कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन का ही यूज़ करना है, स्टील या एल्यूमिनियम का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो बर्तन ख़राब हो जाएंगे। अब अचार बनके रेडी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटा और विटामिन सी से भरपूर। अब आप भी ये टेस्टी चटपटा आंवले का अचार ज़रूर बनाइए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।